दोस्तों दो ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हर व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति परेशान ही दिखता है। पहली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पेट की हेल्थ। और दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम है वो होती है वेट बढ़ना, अननेसेसरीली वेट बढ़ना, बहुत ज्यादा मोटापा, बहुत ज्यादा चर्बी शरीर में जमना। यह भी बीमारियों का एक लक्षण होता है, बीमारियों का संकेत होता है। तो देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर में बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आप बना के इस्तेमाल करिए। मात्र इस ठंड के मौसम में मैं इतनी सियोरिटी दे रहा हूं, अगर 30 दिन आप, मात्र 30 डेज अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेट की सारी प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक होगी। और आपका वेट जो बहुत ज्यादा बढ़ने से आपको शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे में वेट भी धीरे 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 एक महीने के अंदर में कम से कम 10 से 12 किलो वेट आप 100% रूप से कम कर लेंगे इस प्रयोग के मतलब। इसके लिए आपने थोड़े से 3 से 4-5 आंवले लेने हैं, उनको अच्छे से छील लेना है। छील के आप उनकी गुठली अलग कर लें, जो गूदा है गूदे को कूट के अच्छे से आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आधा ग्लास पौना ग्लास पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में उसका एक तरह से शेक बना लें, जूस बना लें। उसके बाद उसको छाने, छानने के बाद में उसके अंदर में थोड़ा सा नमक डालें और उसका हर रोज सुबह खाली पेट सेवन करिए। तो इसके अंदर में एक सबसे ज्यादा, वैसे तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर में एक चीज जो सबसे ज्यादा खास बताई गई है वो होती है डाइट्री फाइबर। इसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। डाइट्री फाइबर क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर में जाके, वो हमारे पेट के अंदर में जाके हमें भूख नहीं लगने देता, हमें ऐसा फील करवाता कि जैसे हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। और जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पेट काफी लंबे समय तक भरा हुआ है तो हमें भूख महसूस नहीं होगी, ऐसे में हम रोटी नहीं खाएंगे, ऐसे में हम चावल नहीं खाएंगे, ऐसे में हम दलिया खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे में कम डाइट लेने की वजह से हमारे गट की हेल्थ, हमारे पेट की हेल्थ भी धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होगी, गैस बनती है, अपच की प्रॉब्लम बनती है, इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप इसका हर रोज सुबह खाली पेट एक गिलास इसका जूस बना के आप हर रोज इस्तेमाल करें और आपकी सेहत के अंदर में डे बाय डे एक इम्प्रूवमेंट आप अपने सामने जरूर देखेंगे। तो इसको इस्तेमाल जरूर करिए।